तो हेलो एवरीवन, मैं हूं कमल साहू। तो आज हम बात करेंगे प्रेपलेटर ऐप के बारे में, और ओल्ड यूज़र और जो न्यू रजिस्टर्स रहेंगे दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। तो ओल्ड यूज़र के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो कि अपना आप 2 मंथ एक्सटेंड कर सकते हो अपडेट करके और उसमें आप प्रोमो कोड डाल के। और न्यू यूज़र के लिए ये बात है कि आपको ये कम में मिल रहा है, स्क्रीन में शो हो रहा है, आप देख सकते हो प्राइस डिटेल्स, और 2 मंथ इसमें भी न्यू यूज़र के लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई कैसे हम ईजी कर सकते हैं। तो अपने देख सकते हो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, बहुत सारे अपन पढ़ाई करने कैसे करें ऐसे देख के टेंशन आ जाता है मेडिकल बुक की, क्योंकि इतनी मोटी है भाई, अपन कैसे ही पढ़े। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अपन वहाँ से अपन जाके वीडियो देख के अपन पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम एनी टाइम अपन भी पढ़ सकते हैं। तो भाई अपने पास तो इतना टाइम है कि नहीं, अपन कितनी मोटी मोटी बुक उठा के अपन पढ़ सकते हैं कहाँ कि कौन सा पेज नंबर में दिया है, क्या है अपने को, है ना। तो सबसे अपने पास बेस्ट तरीका है प्रेपरेटर ऐप, जो अपन टॉपिक वाइज सर्च करके अपन वीडियो देख सकते हैं, जो भी अपना डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो अपन आज अपन इसके ही बारे में बात करेंगे, प्रेपलेटर के बारे में। और हाँ, अभी फरवरी मंथ चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला, अगर हम इस चक्कर में पढ़े तो भाई ये मोटी मोटी बुक अपने से कंप्लीट होनी को नहीं रही। तो इसी बात में आज एक शायरी भी हो जाए, हम क्या किसी को रोज़ देंगे या रोज़ लेंगे, MBBS तो हमारी रोज़ ले रही है भाई, ये मोटी मोटी पुस्तकें, टीचर्स के लेक्चर पढ़ नहीं पाते हो सब, समझ गया ना शायरी। तो बढ़ते हैं आगे। तो भाई अब सीधा आते हैं अपन प्रेपलेटर ऐप में। तो प्रेपलेटर ही क्यों, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि अपना आ गया, भाटिया, मैरो, ये सब चीज़ है ना। तो प्रेपलेटर ऐप ही क्यों, तो भाई आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेपलेटर ऐप में ये है फ़ायदा अपने, क्योंकि उसमें 2 लैंग्वेज दिया है, पहला तो है इंग्लिश और सेकेंड है अपना हिंदी। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर, क्योंकि अपने को अगर हिंदी में मिल रहा है पढ़ने को तो अपन हिंदी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को जल्दी समझ आएगा हिंदी में। तो इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेपलेटर ऐप बहुत ही बढ़िया है। प्रेपलेटर ऐप में कैसे पढ़ाते हैं, छोटा सा क्लिप देख लीजिए कि डॉक्टर कैसे पढ़ाते हैं। जनरली आप जानते ही हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर के साथ में ब्लीडिंग ज्यादा कॉमन होती है, और ड्यूडल अल्सर के साथ में रैदर परफोरेशन ज्यादा कॉमन होती है। गैस्ट्रिक अल्सर में जो ब्लीडिंग होगी वहां पे सोर्स होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसके मैनेजमेंट के लिए मैं पहले तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल इनिशिएट करूंगा, और उसके बाद में अपर जी एंडोस्कोपी विद कॉटराइजेशन ऑफ द बेस ऑफ द अल्सर करके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लूंगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान से करना, क्योंकि अभी मैंने जो बताया वो था ब्लीडिंग अल्सर के लिए। जब ब्लीडिंग ईसोफेजियल वराइसिस का ट्रीटमेंट और चॉइस पूछेगा तो आपका आंसर होगा अपर जी एंडोस्कोपी विद स्क्लेरोथेरेपी। अगर ड्रग और चॉइस पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्ट्रेटाइड। ब्लीडिंग वराइसिस के लिए इनफैक्ट 3 एस्पेक्ट्स याद रखने हैं, अगर ड्रग और चॉइस है तो ऑक्ट्रेटाइड, अगर बोलता नॉन ब्लीडिंग वराइसिस तो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है नॉन ब्लीडिंग वराइसिस का आंसर है प्रोपानोलॉल, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्लीडिंग ईसोफेजियल वराइसिस अपर जी एंडोस्कोपी विद स्क्लेरोथेरेपी। ड्यूडेनल अल्सर के साथ में मेनली दिक्कत होती है परफोरेशन की, तरह का हो सकता है, एक विच इज कॉल्ड एज हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। हाई आउटपुट का क्या मतलब है कि हार्ट जो है वो तो नॉर्मल ब्लड पंप कर रहा है, आउटपुट इज हाई, कार्डियक आउटपुट इज हाई, बट टिश्यूज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल ब्लड पंप करने के बावजूद भी उनको वो ब्लड कम पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हार्ट तो ब्लड पंप कर रहा है बट टिश्यूज को फिर भी कम पड़ रहा है, ये 2 केसेस में हो सकता है। पहला, टिश्यूज की डिमांड ही बढ़ गई है, लाइक इन केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपर थायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, ठीक, तो टिश्यूज उतना नॉर्मल मिल रहा है बट उनके लिए कम पड़ रहा है, तो वो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हुआ। दूसरा, हार्ट ने नॉर्मल ब्लड पंप किया बट ब्लड में ऑक्सीजन ही कम थी, दैट मीन्स सिवियर अनिमिया, अनीमिया इतना ज्यादा था कि नॉर्मल ब्लड पंप करने के बावजूद भी एनफ ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं मिली। और यहाँ टॉप की फैकल्टीज भी है, टॉप के डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत पुराने पुराने डॉक्टर्स हैं प्रेपरेटर ऐप में, और ये आपको आपका परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसा है, क्या है। और यहाँ डेली आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, और डेली न्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, उसका अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो आपका इम्प्रूवमेंट क्या है। तो ये सबसे बढ़िया बात है भाई, अपना इम्प्रूवमेंट ही देखने अपने को, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है तो अपने को मेन अपने क्या है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अपने को बनना है टॉप का डॉक्टर भाई, कि पता नहीं ऐसे जाए कुछ पता नहीं हॉस्पिटल में क्या किए कुछ पता ही नहीं, है ना। तो अपने को अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए। और आप वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हो, कितना भी टाइम एनी टाइम किसी भी टाइम आपको अगर पढ़ने का मन किया तो आप पढ़ सकते हो, ये नहीं कि अपने बुक खोलना है फिर पढ़ना है पेज पलटो। तो उससे अच्छा भाई वीडियो चलाओ, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ो, बढ़िया मज़ा आता है।
और आपको यहाँ मिल जाता है कि डॉक्टर के हैंडमेड नोट्स, आपको साथ में कलरफुल नोट्स भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आपको अभी डाउनलोड करना है तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड करो और परचेस कर सकते हो। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए नया से नया अपडेट मैं लाते रहूँ।